नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। क्या आपके पैर के उंगलियों के नाखून पीले पड़ रहे हैं? आमतौर पर हम इसे मामूली समझने की भूल कर बैठते हैं। हमें लगता है कि शायद गंदगी या शरीर में किसी चीज की कमी की वजह से नाखूनों का रंग बदल रहा है, लेकिन असल में ये नेल फंगस का संकेत है। नाखूनों में फंगस संक्रमण एक सामान्य स्थिति है जो आपके नाखूनों की नोक के नीचे एक सफेद या फिर पीले धब्बे के रूप में शुरू होती है। जैसे जैसे संक्रमण गहरा होता जाता है, आपके नाखूनों का रंग फीका पड़ने लगता है, नाखून मोटे होने लगते हैं या फिर कभी कभी किनारे पर से उखड़ भी सकते हैं। ये स्थिति कई नाखूनों को प्रभावित करती है। कुछ लोगों को इससे संक्रमण हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये समस्या गंभीर बन जाती है। इसमें नाखूनों में दर्द होने के साथ खून भी बहने लगता है। अगर आपकी स्थिति गंभीर नहीं है तो आपको उपचार की जरूरत पड़ती है, लेकिन दर्दनाक स्थिति में देखभाल और दवा दोनों की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं नेल फंगस के कारण और लक्षण क्या हैं। तो आपको बता दें, कई बार बढ़ती उम्र के साथ नेल फंगस की समस्या हो जाती है। उम्र के साथ नाखून टूटने के साथ सूखे से हो जाते हैं। नाखूनों में आई दरारें फंगस को प्रवेश करने और संक्रमण पैदा करने का कारण बन सकती हैं। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम होना भी फंगल इन्फेक्शन का एक मुख्य वजह है। कई बार पैरों नाखूनों में गंदगी जमा होने से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के हाथ और पैरों पर जरूरत से ज्यादा पसीना आता है, उन्हें नेल फंगस होने का खतरा ज्यादा रहता है। आपको ये भी बता दें कि नेल फंगस के कारण आपके नाखूनों को बहुत नुकसान होता है। इसकी वजह से पैरों में अन्य संक्रमण भी हो सकते हैं। खासतौर से अगर आपको डायबिटीज है तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सप्लाई कम हो जाती है। इससे सेल्यूलाइटिस का खतरा भी ज्यादा रहता है। कुछ लोगों के लिए संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो सकता है। नाखूनों के संक्रमण को तब तक पूरी तरह से ठीक नहीं माना जाता जब तक कि संक्रमण से मुक्त एक नया नाखून बड़ा ना हो जाए। बेशक इससे खतरा ना हो, लेकिन नेल फंगस का वापस आना संभव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।